राजधानी दिल्ली में कोरोना के कम होते मामलों के बीच व्यापारियों की पाबंदियों को कम करने की मांग और तेज हो गई है। व्यापारी फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के व्यापारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने वीकेंड कर्फ्यू और ऑड इवन हटाने की मांग को लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें दिल्ली सरकार के पाबंदियों को वापस लिए जाने वाले प्रस्ताव को स्वीकार करने की मांग की गई है। व्यापारी फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा की अध्यक्षता में व्यापारी मंडल ने ये ज्ञापन उपराज्यपाल को सौंपा। जिस प्रकार आपने देखा, दिल्ली में लगभग एक महीने से जो वीकेंड कर्फ्यू भी लगा हुआ है, उसके अलावा ले लीजिएगा कि ओड एंड इवन भी चल रहा है, इसको लेकर व्यापारियों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब पिछले दिनों जो शुक्रवार को दिल्ली की सरकार ने ये ऐलान कर दिया था, इस चीज़ को वापसी लिया जा रहा है, मगर एलजी साहब ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। हम आज एलजी साहब से रिक्वेस्ट करने आए हैं, प्लीज़ व्यापारियों की प्रॉब्लम को देखते हुए इसको जो है ओड एंड इवन ख़त्म किया जाए, और जो जो कर्फ्यू भी है वीकेंड कर्फ्यू वो भी ख़त्म किया जाए, क्योंकि दिल्ली के एनसीआर के सारे बाजार खुल रहे हैं और दिल्ली का लगभग 40 लाख व्यापारी इस बार इस कारण बेरोजगार हुआ पड़ा है। किसी की दुकान हफ्ते में 2 बार खुलती है, किसी की 3 बार खुलती है, महीने में हम जो 8 बार या 10 बार खोल के अपना व्यापार नहीं चला सकते। हमारे खर्चे वही हैं, जिस प्रकार चाहे ले लीजिए लोन की EMI देनी, स्कूल फीस भरनी, बिजली के बिल भरने, टैक्सेस भरने, अपनी लेबर को पैसे देने, इसके कारण हमें बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। हम रिक्वेस्ट करते हैं LG साहब से, जो हमने आज ज्ञापन दिया है कि इसमें हमने ये लिखा है कि दिल्ली का व्यापार बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है और हमें आए दिन बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, और जिसको लेकर आप जल्द से जल्द निर्णय लीजिए। व्यापारियों के इस प्रतिनिधि मंडल में फेडरेशन के अध्यक्ष राकेश यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सतपाल सिंह मंगा, उपाध्यक्ष कमल कुमार, महासचिव राजेंद्र शर्मा, व्यापारी नेता दीपक मित्तल और गोपाल ग्रोवर शामिल रहे। इस दौरान व्यापारियों ने रेहड़ी पटरी वालों का मुद्दा भी उठाया, ताकि बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रखते हुए बाजारों को फिर से खोला जा सके। हम किसी राजनीतिक पार्टी का रिप्रेजेंट नहीं करते, हम राजपूत हैं, हम टैक्स देते हैं। ओमिक्रॉन फैल रहा है, नो डाउट इसके अंदर ओमिक्रॉन फैल रहा है, लेकिन जितनी भी एजेंसीज हैं वो ये कह रही हैं कि ये ओमिक्रॉन इतना नुकसानदायक नहीं है। सभी बाकी स्टेटों ने अपने यहाँ से बच्चों के स्कूल तक खोल दिए। हमारे यहाँ आपने कहा कि एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि हमारे यहाँ सदर बाजार में बहुत भीड़ रहती है, बहुत भीड़ नहीं रहती है हमारे यहाँ भीड़ रहती है पटरी वालों की, रेहड़ी वालों की। उसके यहाँ सोशल डिस्टेंस कुछ भी नहीं है। मैं अभी LG साहब से मिलने आया यहाँ पर, तो बीच में रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, सरकार उस पर फेल रही है। LG साहब उस पर ध्यान दें, CM साहब उस पर ध्यान दें। हमारा काम व्यापार ठप करना नहीं है, संस्कृति ठप करना नहीं है, हमारा काम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। सरकार को चाहिए कि पटरी वालों की रोजी रोटी के लिए व्यवस्था करे, मैनेजमेंट करे, उनको भी रोटी मिलेगी तो व्यापारियों को मिलनी चाहिए। आज व्यापारी 10 दिन दुकान खोलेगा महीने में, तो आप बताएं कि वो अपने जो कर्मचारी उनको तनख्वाह कहाँ से देगा। आपको बता दें कि राजधानी में कोरोना संक्रमण के नए केसों की रफ्तार कम होने के चलते CM अरविंद केजरीवाल की ओर से वीकेंड कर्फ्यू और ऑड इवन रद्द प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेजा गया था, जिसे LG ने ठुकरा दिया था, जिसके बाद अब व्यापारी एसोसिएशन ने खुद उपराज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और राहत दिए जाने की मांग की है। दिल्ली से मोहम्मद इरफान के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।